अमेरिका में राहुल गांधी ने अपने देश के प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देते हुए उन्हें नमूना कह डाला। साथ में ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के काम का असर अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समुदाय महसूस कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान ने भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं, जहां वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अपने ही देश में वो खुद घिर गए हैं। राहुल ने पीएम मोदी को अमेरिका में बैठकर नमूना बोला और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के काम का असर अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समुदाय महसूस कर रहे हैं। अब भाजपा कहां चुप रहने वाली है? राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा राहुल पर हमलावर हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास नीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। राहुल चुनाव जीतने के लिए ये सब कह रहे हैं। देश के विकास में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। राहुल का ब्रिटेन और अमेरिका में दिया गया बयान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह करने वाला है, जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया समझ रही है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत का मान और नाम पूरे विश्व में बढ़ा है। यह केवल मोदी की नीति की वजह से ही संभव हो पाया है। कांग्रेस के शासन काल में दूसरे देशों के लोग भारत से दूर भागते थे। दुनिया में भारत की पहचान पिछड़े, गरीब, अशिक्षित देशों में होती थी, लेकिन आज भारत की पहचान विकासशील, ताकतवर, शिक्षित देशों में हो रही है। देखिए, देश का लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष को जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उसको ना निभाते हुए मोदी जी का विरोध, सरकार का विरोध करते करने कहीं नहीं भारत का विरोध कर बैठते हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर हमारा गौरव बढ़ाने की बात करते हैं, अनेकों अनेक देश उनको दाबोस करके बुलाते हैं। आज विश्व की ग्रेडिंग पर 78% वोट लेकर पहले पायदान पर खड़े हुए हैं। संसार के अंदर आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, हम 3रे स्थान पर हैं, आने वाले हैं, और हम जिस प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पहले गए थे तो लोकतंत्र खतरे में बताया था, तो आज गए हैं। खाली एक ऐसे दल का नाम लेना जिसने भारत के 2 टुकड़े करा दिए, मुस्लिम लीग का, वो उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है क्योंकि उन्हें केरल में चुनाव जीतना है, लेकिन पूरे देश की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।